नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में। देश में इस समय जो हमारे बोवाइंस हैं, गाय भैंस हैं, उन पर आई हुई एक समस्या की हम चर्चा कर रहे हैं। चर्चा इसलिए की जा रही है क्योंकि अब तक प्राप्त आंकड़े, जो कि सरकारी आंकड़े हैं, जिनमें आंकड़ों में कोट किया जा चुका है कि 70,000 से ज़्यादा गाय मर चुकी हैं। सच्चाई तो कहीं और ज़्यादा है, क्योंकि आंकड़े जब तक सरकारी निकल के आते हैं तब तक तो कुछ और ही कहने का होता है। ऐसी हृदय विदारक तस्वीरें आपके सामने इस समय इंटरनेट पर वायरल हो रही हैं, जिन्हें देख करके आप एक बार के लिए कांप जाएंगे। देखकर ऐसा लगेगा कि क्या ये वास्तविकता है या फिर कहीं से उठाई हुई। इस समय ट्विटर पर अगर ये सच है, क्योंकि बहुत सारे मीडिया हाउसेस ने इसको रेफरेंस के रूप में यूज़ किया है, ये ऐसी तस्वीर है, जब जब आप इसे देखोगे तब तब आपके अंदर से एक भय पैदा होगा कि यार ये हमारी गायें हैं जो मरी हुई हैं। ये जो आपको तस्वीरें यहाँ पर दिख रही हैं, ये लंपी वायरस डिजीज़ की वजह से मरी हुई गायें हैं जिनकी तस्वीरें आपको दिख रही हैं। और अच्छा, आपको इसके बारे में अगर कुछ भी नहीं पता है तो एक बार के लिए मेरे द्वारा किया हुआ एक सेशन है, जो कि मैंने आज से एक महीने पहले किया था, कि भारत में पशुओं की तरह बनकर टूट रहा है लंपी। इस पर लगभग 1.5 मिलियन के आसपास लोग इसे देख चुके हैं। आप इसे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको मैंने एक महीने पहले आगाह कर दिया था कि भैया भविष्य बहुत खतरनाक होने वाला है, और ये तस्वीरें अपने आप में इस बात को इंडिकेट कर रही हैं। वायरस है तो स्वाभाविक है कि वायरल इन्फेक्शन से निकलने वाली जो बहुत सारी परेशानियां हैं, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन फैलता है स्प्रेड होने के साथ साथ, जिस प्रकार से कोरोना फैला ऐसे ही अब हमारे बोवाइंस पर ये बीमारी फैली हुई है। कोरोना के लिए इलाज के रूप में आप वैक्सीन ले आए थे, लेकिन इसकी वैक्सीन कब आएगी? ये बहुत ही ज़बरदस्त कार्टून बनाया है, मुझे इसके ऑथर का नाम तो समझ में नहीं आया, लेकिन जिन्होंने भी बनाया है बहुत अल्टीमेट बनाया है। उन्होंने पूछा है कि एक बच्चा गाय का पूछ रहा है गाय से कि अम्मा हमारी वैक्सीन कब आएगी? बेटा हमारी वैक्सीन नहीं आएगी क्योंकि हम वोट नहीं देते। ये सच में मतलब ऐसी इग्नोरेंस वाली स्थितियाँ हैं जिनको हम देखते हैं लेकिन हमारी नज़रों के सामने से गुजर जाती हैं। आप देखिए यहाँ पर एक किसी कार्टूनिस्ट ने, क्योंकि समटाइम्स कार्टूनिस्ट हमारे जीवन के यथार्थ पर बहुत अच्छा प्रहार करते हैं, एक और कार्टूनिस्ट हैं, इन्होंने अपना नाम यहाँ पर शायद राम सूर्यवंशी लिखा है। ये लिख रहे हैं, गौवंश में लंपी इसका स्किन डिसऑर्डर का कहर, और यह वक्त भी गुजर जाएगा वत्स, लंपी अब चरम पर है, क्या करें माँ, ये बच्चा पूछ रहा है। साथियों, अगर आप पशुओं के बोलने की बातें सुन पाते, काश हमारे पास ये सुविधा होती कि हम भी पशुओं के दर्द को समझ पाते, हमारे गौवंश को दर्द को हम समझ पाते, तो निश्चित ही आज देश की राजनीति जिस दिशा में जा रही है, जहां पर गाय को माता माना जाता है, गाय के साथ में जिस प्रकार का दुर्व्यवहार किया जाता है, तो हम एकदम आग बबूला हो उठते हैं। लेकिन अब जो हमारी गायों के साथ हो रहा है, इस पर हम केवल और केवल प्रतिक्रिया के नाम पर बस चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि हाँ कुछ ऐसा हो रहा है। मैं अपने बिहाफ पर जो कर सकता हूं, लगातार सेशंस में इसकी चर्चा कर रहा हूं, ताकि आपके बीच में इसके बारे में जिक्र पैदा हो। आप जो करना चाहें, आपकी वजह से सरकारों में, आपके आसपास के जनमानस में इसके बारे में विषय विस्तार से चर्चा हो। साथियों, अब सवाल बनता है अलग अलग न्यूज हेडिंग्स का। द हिंदू की न्यूज हेडिंग है 8 सितंबर की, जिसने मेंशन किया कि 57,000 कैटल डाइड सो फार फ्रॉम लंपी। अभी 2 घंटे पहले की न्यूज है, 67,000 कैटल डाइड सो फार फ्रॉम लंपी। साथियों, अगर तारीखों पर गौर करें तो 12 दिनों की बात है, 12 तारीख यहां पर दिखाई दे रही है, यहां पर 8 तारीख दिखाई दे रही है, 4 दिन के अंदर सरकारी आंकड़े चेंज हो रहे हैं। आप इधर देखिए, 57 से 67 का आंकड़ा, ये आज की न्यूज है जो आप इंडियन एक्सप्रेस में देख रहे हैं। मतलब समझ रहे हैं आप, ये आंकड़े सरकारी चेंज हो रहे हैं, वास्तविकता क्या है? जिनको नहीं पता है कि LSD क्या है, मैं आपको बता दूं कि ये एक वायरल डिजीज है जो कि डोमेस्टिक कैटल्स, वाटर बफेलोज और सर्टेन वाइल्ड रुमिनेंट्स के अंदर हो रही है। इंक्यूबेशन पीरियड यानी कि इससे पीड़ित जो जानवर है वो 28 दिन तक इससे बीमार रहता है। 6 से 9 दिन के अंदर स्किन के अंदर गांठें दिखाई देने लगती हैं, लंप्स बने हुए दिखाई पड़ने लगते हैं। असल में हमें लगता है कि क्या ये इंसानों को हो सकता है, मतलब जहन में उठने वाला जो सबसे बड़ा सवाल बनता है कि सर क्या ये हमें हो सकता है क्या, और अगर हमें नहीं हो सकता तो फिर टेंशन किस बात की? ये इनडायरेक्टली आप ही को हो रहा है, बायोलॉजिकली भले ही आपको ना हो रहा हो, क्योंकि इस वायरस के प्रभाव आप में नहीं आ रहे हैं, दैट मीन्स ये जूनोटिक डिजीज नहीं है। हम इतना सुनते ही खुश हो जाते हैं कि साहब हम तो बच गए, लेकिन वास्तविकता में साथियों मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं राजस्थान में 3 से 4 लाख प्रति लीटर, आप देख सकते हैं, मैं आंकड़े लाया हूं, शायद आगे पीछे हो गए हों, ये देखिए आपके सामने, ये न्यूज है कल की, इसमें दिखाया गया लंपी स्किन डिजीज की वजह से मिल्क कलेक्शन जो है वो 3 से 4 लाख पर लीटर राजस्थान के अंदर कम हो गया है।
राजस्थान, विशेष रूप से मवेशियों पर आधारित राज्य, विशेष रूप से पश्चिमी राजस्थान, 3 से 4 लाख लीटर प्रतिदिन दुग्ध उत्पादन की कमी हो रही है। इसका अर्थ समझ रहे हैं आप? इसका अर्थ यह है कि सीधा सीधा किसान मर रहा है इससे, क्योंकि जो हमारे देश के अंदर स्मॉल और मार्जिनल किसान हैं वो अपने जीवन यापन के लिए मवेशी का ही उपयोग करते हैं, मवेशी से ही निकलने वाले दूध को बेचते हैं। अब जब बीमार होकर के बवाइन मर रहा है, आप अंदाजा लगाइए 3 से 4 लाख लीटर प्रतिदिन अगर फर्क पड़ रहा है, एक गाय औसतन 4 लीटर दूध देती है। आंकड़े बता रहे हैं कि वेस्टर्न राजस्थान के अंदर इसकी वजह से 1 लाख मवेशी मारी जा चुकी है, केवल राजस्थान की बात कर रहा हूं। 4 लाख लीटर का मतलब समझ रहे हैं आप, एक गाय का बेचने लायक दूध केवल 4 लीटर ही बनता है, फिर परिवार भी 1-2 लीटर बचेगा। एक बार में इतना दूध दे दे तो भी बहुत बढ़िया गाय कहलाती है, एक बार का ही दूध बिकता है, इवनिंग का तो कस्ट मतलब किसान खुद के पास रखता है। आप उससे अंदाजा लगा लीजिए कि 1 लाख का आंकड़ा यहां से निकल के आ रहा है, सरकार कौन से डेटा निकाल रही है नहीं पता। प्रैक्टिकल प्रभाव आपको दिखता हुआ पड़ता हुआ दिख जाएगा, लंपी की वजह से सप्लाई 50% घट गई है राजस्थान के अंदर, पश्चिमी राजस्थान बाड़मेर के अंदर 1 लाख से ज्यादा गौवंश इसकी वजह से प्रभावित हो चुका है। सबसे बड़ी सरस डेयरी जो यहां की है उसके ऊपर 50% दूध की कमी आ चुकी है। हालत यह है कि गांवों में दूध मिल नहीं रहा है, दूध की सप्लाई बराबर नहीं हो पा रही है सबकी, और तो छोड़िए आप इनसे तो देखिए क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या दूध के रेटों में भी परिवर्तन आ गया है। 2 से 3 रुपए लीटर दूध के भाव बढ़ा दिए गए हैं 1 सितंबर से सरस के द्वारा, राजस्थान की जो डेयरी है जो दूध का प्रोडक्शन मतलब सप्लाई करती है कलेक्शन करके। तो कहने का मतलब ये है जनाब कि जो आंकड़े हैं, जैसे ये इंडियन एक्सप्रेस का लेटेस्ट आंकड़ा जो हम आपका न्यूज कलेक्ट कर रहे थे, उसमें 70,181 लाइव स्टॉक एनिमल मारा जा चुका है। कहने का कुल मिलाकर अर्थ यह है कि मैं आपके सामने केवल ये स्थिति रखना चाह रहा हूं कि साहब स्थिति विकट है। अगर इंसानों में 1/3 नंबर भी मरे होते इस समय इस बीमारी से, हालांकि नहीं बोलना चाहिए इस तरह की बातें, सुनने में थोड़ी दुखद और हृदय विदारक होती हैं, हम पता नहीं त्राहिमाम मचा लेते। केवल राजस्थान के ये हालात हैं? जी नहीं, मध्य प्रदेश में भी 2100 कैटल अभी तक इससे इन्फेक्टेड पाई जा चुकी हैं। यूपी के अंदर 23 जिलों के अंदर लंपी वायरस फैल गया है और वहां पर यूपी जो है वो इसके लिए एक मॉडल अपनाने की कोशिश कर रहा है, दैट इज मलेशिया मॉडल। मलेशिया मॉडल का मतलब एक प्रकार से पशुओं को बचाने के लिए इम्यून बेल्ट का निर्माण किया जाएगा। इम्यून बेल्ट का अर्थ ये हुआ कि जिस जिस क्षेत्र में वायरस है उस क्षेत्र के अंदर 10 किलोमीटर की पट्टी ऐसी मतलब डिसाइड कर दी जाएगी कि ये जानवर दूसरी तरफ ना आए, यानी इसकी वजह से इन्फेक्शन ना फैले। यूपी गवर्नमेंट ने मलेशिया मॉडल अपनाने की बात की है। दुनिया के बहुत से राज्य मतलब भारत के बहुत से राज्य इसी मॉडल की अब चर्चा कर रहे हैं, मलेशिया मॉडल, क्योंकि लास्ट टाइम जब उनके यहाँ ऐसा हुआ था तो वहाँ पर ऐसा ही किया गया था मलेशिया के अंदर और बचा लिया गया था मवाइंस को। इसमें क्या है कि पशु जिस क्षेत्र में है उसके आसपास के 10 किलोमीटर की जो चौड़ी बेल्ट है उससे ये ध्यान रखा जाए कि क्रॉस करके वो किसी अनइन्फेक्टेड एरिया के अंदर ना चला जाए। अब आपने इतना सुनने के बाद एक सवाल मन में बना लिया होगा, सर वैक्सीनेशन के बारे में बताइए ना क्या हो रहा है। साथियों आज वैक्सीनेशन के ऊपर एक बैठक हो रही थी, असल में क्या है भारत के अंदर एक बैठक हो रही है इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के द्वारा, वर्ल्ड डेयरी समिट चल रहा है 12 से लेकर के 15 सितंबर के बीच में ग्रेटर नोएडा के अंदर। प्रधानमंत्री वहां बोल रहे थे तो उन्होंने अपने द्वारा उस वर्ल्ड डेयरी समिट के अंदर इस बारे में चर्चा की और कहा, उन्होंने कहा कि लंपी स्किन डिजीज को रोकने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने इंडिजीनियस वैक्सीन बना ली है, मतलब स्वदेशी रूप से, यानी कि एक प्रकार से हम फिर से कहें कि विज्ञान फिर से काम आई। हम अपने देश के अंदर जिनको हीरो मानते हैं उन हीरोज में केवल स्पोर्ट्स पर्सन ही हो जरूरी नहीं है, फिल्म अभिनेता हो जरूरी नहीं है, वैज्ञानिकों को हर बार सराहा जाए क्योंकि जितनी भी विकट परिस्थितियां आई हैं चाहे कोरोना की हो चाहे लंपी की हो वैज्ञानिकों ने समय समय पर अपना महत्व दिखाया है। आप देख सकते हैं लंपी स्किन डिजीज पर प्रधानमंत्री का अनाउंसमेंट है कि हमारे वैज्ञानिकों ने इंडिजीनियस वैक्सीन बना ली है, ये आज की न्यूज है जो आप यहां पर देख रहे हैं। प्रधानमंत्री इनॉग्रेटेड वर्ल्ड डेयरी समिट, आप देख सकते हैं सेंट्रल अलोंग विद स्टेट ट्राइंग टू कंट्रोल लंपी स्किन डिजीज, ये आपके सामने न्यूज है। अब आप पूछेंगे सर कौन सी वैक्सीन बनाई है जरा बताइए। देखिए जो वैक्सीन बनकर आई है वो मार्केट में आते आते भी 4 महीना और लगेगा, लेकिन यदि आपके मवेशी को परेशानी है तो एक वैक्सीन है जो कि 100% कारगर है, मैं यहां पर बता देता हूं। उस वैक्सीन का नाम है गॉट पॉक्स वैक्सीन, बकरी के अंदर होने वाले पॉक्स के लिए बनाई गई थी यह वैक्सीन, जो कि 100% इफेक्टिव है अगेंस्ट लंपी स्किन डिजीज। ये रूपाला जो हमारे कृषि मंत्री है मतलब जो पशु संसाधन मंत्री है उनके द्वारा यह जानकारी दी गई है, ठीक है ना। तो यह ध्यान रखिएगा गाय भैंस को अगर लंपी वायरस है तो आप उसको वैक्सीनेशन जरूर करवा लें साहब, ठीक है, और उसे आइसोलेट करें, क्योंकि देखिए जिसने आज तक आपको पाला है अब आप उसके लिए इतना फर्ज निभा दें यही उसकी आपसे अपेक्षा है।
उसे साफ सुथरे एरिया में रखें। चूंकि यह बीमारी आपको नहीं फैल रही है तो कम से कम इस माध्यम से ही सही हम पशु की केयर कर सकते हैं। साथियों 97 लाख वैक्सीन डोजेस जो हैं लंपी स्किन डिजीज के खिलाफ एडमिनिस्टर हो चुकी हैं। 8 लाख कैटल्स जो हैं इसकी वजह से रिकवर भी की जा चुकी हैं। यूनियन मिनिस्टर जो फिशरी और एनिमल हस्बेंड्री है रूपाला, उन्होंने बताया कि 100% इफेक्टिव है ये वाली गॉट पॉक्स वैक्सीन, जिसको मैंने आपके सामने न्यूज के रूप में दिखा दिया। फिर आप पूछेंगे भारत के वैज्ञानिकों ने कौन सी इंडिजीनियस वैक्सीन बना ली, तो उसके बारे में भी जान लीजिए। भारत के वैज्ञानिकों ने इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की मदद से 4-5 मंथ्स के अंदर इंडिजीनियस डेवलप्ड वैक्सीन विकसित करने की बात की, जिसके बारे में नाम दिया गया है लंपी प्रो वैक आईएनडी। अब इसका जो मतलब जो प्रैक्टिकल मार्केट में नाम आएगा उसका तो नहीं पता क्या आएगा, लेकिन इसका नाम है लंपी प्रो वैक आईएनडी, यानी लंपी प्रो वैक्सीन इंडिया, इस प्रकार से, ठीक है ना। तो ये जो वैक्सीन है इसको डेवलप किसने किया है, इंडियन काउंसिल आईसीएआर के द्वारा, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ इक्वाइंस एंड हिसार के द्वारा मिलकर के इसको डेवलप किया गया है। इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ईटानगर यूपी भी इसके अंदर साथ साथ शामिल हुआ और इसका निर्माण कर लिया गया। पूरी तरह से ये इफेक्टिव वैक्सीन है जो इंडिया द्वारा बना ली गई है। निश्चित ही आने वाले समय में हम वैक्सीन से हमारे बवाइंस को बचा पाएंगे, ये हमें लगता है। प्रधानमंत्री ने आज ही के दिन इस बारे में जानकारी सबको दी कि हमारे द्वारा वैक्सीन बना ली गई है। और यहाँ इतना ही नहीं, वर्ल्ड डेयरी समिट में देश के बारे में भी प्रधानमंत्री ने दुनिया को जानकारी देते हुए कहा, ये इंडियन डेयरी समिट है जो आप देख सकते हैं, वर्ल्ड डेयरी समिट, जिसमें दुनिया भर के लोग आए हुए हैं। इस समिट का जो थीम रखा गया, सब्जेक्ट रखा गया, डेयरी फॉर न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड है। 12, 13, 14, 15 के दिन 24 सत्र इसके आयोजित होंगे। 61 में विदेशी और 65 भारतीय प्रवक्ता इसमें बोलेंगे। इसकी समिट को अमूल नंदिनी मदर डेयरी के द्वारा स्पॉन्सर किया गया है। विदेशों से काफी सारे लोग इसके अंदर आए हैं। प्रधानमंत्री ने इनॉग्रेशन किया और यहां पर एक बड़ी बात प्रधानमंत्री ने सबके सामने रखी और वो ये थी कि द सक्सेस स्टोरी ऑफ इंडियन डेयरी इंडस्ट्री, कि दुनिया का 23% जो मिल्क उत्पादन है ना वो इंडियन डेयरी इंडस्ट्री करती है। इसके साथ साथ हम लोग 210 मिलियन टन दूध का उत्पादन करते हैं। इतना ही नहीं, देश ने 8 साल में 44% दूध उत्पादन में वृद्धि की है। 2 लाख से ज्यादा गांवों में इकट्ठा हुआ है दूध। डेयरी सेक्टर छोटे किसानों की ताकत है। ये सब बातें यहां पर प्रधानमंत्री के द्वारा बताई गई हैं। कुल मिलाकर बात यह है साहब, वैक्सीन बनकर तैयार है, अब जिम्मेदारी हम और आपकी है। मैं चाहता तो हूँ काफ़ी ज़्यादा, मेरे मन में ख्याल भी कई बार आया, मैंने अपनी टीम से भी डिस्कस किया, पर मुसीबत ये है कि मैं आप लोगों के साथ मिलकर के अगर कोई इनिशिएटिव शुरू करूँ तो उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। बात चल रही है, कुछ हो पाया तो महीने भर के अंदर अंदर हम कुछ ऐसा कार्यक्रम शुरू करेंगे जो भी हमारे गौवंश के लिए ज़रूरी होगा। फिलहाल के लिए जानकारी जो मैं आप तक दे सकता था वो मैंने दिया। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा वैक्सीनेशन के लिए कहा गया है सभी पशुओं का वैक्सीनेशन कराया जाएगा। प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि आने वाले 2025 तक हम जितने भी पशु हैं उन सबका डेटाबेस भी तैयार कर लेंगे, एक तरह से पशु आधार तैयार कर लेंगे। और इतना ही नहीं, हम वैक्सीन के साथ साथ दुनिया भर के अंदर जानकारी भी, मतलब पशुओं को बचाने के लिए डेटा के साथ साथ वैक्सीनेशन भी कर देंगे, लेकिन ये ज़्यादा ज़रूरी है जो फिलहाल हो, ठीक है। इंसानों को इससे कोई खतरा नहीं है, लेकिन कोई भी बीमारी अगर किसी जानवर को है तो आप उससे बचने के लिए खुद से केवल इतना ध्यान रखें कि कच्चा दूध ना पिएं। दूध को उबाल कर ही पीना सेफ होता है और धीमी आंच पर 15 मिनट तक आप दूध को उबालें ताकि उसमें किसी भी प्रकार का कंटेमिनेशन होगा तो वो नष्ट हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही। सेशन समझ में आया हो तो इसे जरूर साझा करें, कर ही दीजिएगा इस प्रकार के सेशंस को साझा, क्योंकि इससे थोड़ी मानवता जिंदा रहती है। लोगों को पता रहता है कितना तनाव है समाज में, लगता है दुनिया को कि हमारा ही सबसे बड़ा दर्द है। जैसे मैं कमेंट में देख रहा होता हूँ, बहुत सारे लोग अपने अपने दर्द को लेकर के चर्चा कर रहे होते हैं। अलग ही प्रकार की लव मुहिम चल रही है हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर। कोई व्लादिमीर पुतिन बना हुआ बैठा है, कोई ज़ेलेंस्की बना हुआ बैठा है, कोई लड़का लड़की के नाम से चटिया रहा है। पता नहीं दुनिया का इस यूथ को क्या हो गया, ये तो समझ से ही परे है। फिर भी इतना फर्जी काम करते हो कमेंट बॉक्स में बैठ करके, तो ढंग का काम ये करना कि सेशन को शेयर कर देना, ताकि जिनको समझ होनी चाहिए, जिनको पता चले कि ध्यान नहीं है उनका इस दिमाग विषय पर, उनको भी पता चले, है ना। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। अधिक जानकारी के लिए आप मेरे साथ तो कनेक्ट कर ही सकते हैं। इसके साथ साथ इस कंटेंट की PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर, जो कि टेलीग्राम पर वेरीफाइड अकाउंट है, GK भाई अंकित अवस्थी सर, जिसके ऊपर भी ब्लू टिक लगा हुआ है, उस पर आपको थोड़ी देर बाद मिल जाएगी। रेफरल कोड अंकित10 के साथ में UPSC का कोर्स अगर आप परचेज करते हैं तो उस पर अभी 10 की जगह 20% डिस्काउंट चल रहा है। नॉट इवन इन UPSC, SSC, बैंकिंग, रेलवे, सभी जगह 20% का ऑफ चल रहा है, आप उसका लाभ ले सकते हैं। UPSC मेंस के अंदर अनअकैडमी के द्वारा हाल ही में एक ऑफर लॉन्च किया गया है, जिसमें 14,990 रुपीज में आप लोगों के लिए मेंस की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, आप उसको यूज कर सकते हैं। आपका समय शुभ हो, धन्यवाद।